कहानी का शीर्षक है हेमंती। कन्या के पिता सब्र कर सकते थे, पर वर के पिता ने सब्र करना ना चाहा। उन्होंने देखा लड़की के विवाह की उम्र पार हो चुकी है और कुछ दिन बीतने पर तो उसे शिष्ट या अशिष्ट किसी भी उपाय से दबा रखने का अवसर भी पार हो जाएगा। लड़की की उम्र अबाध रूप से बढ़ अवश्य गई है, किंतु तुलना में दहेज के रुपयों का भारीपन अभी उसके कुछ ऊपर है, इसलिए जल्दी है। मैं वर था, इसलिए विवाह के बारे में मेरे मत की जानकारी अनावश्यक थी। मैंने अपना काम किया, एफए पास करके छात्रवृत्ति पाई, इसलिए प्रजापति के दोनों पक्ष, कन्या पक्ष और वर पक्ष, अत्यधिक विचलित हो उठे। हमारे देश में जिस व्यक्ति ने एक बार विवाह कर लिया है, विवाह के बारे में उसके मन में फिर कोई उद्वेग नहीं रहता। नरमांस का स्वाद चख लेने पर मनुष्य के प्रति बाघ की जो मनोदशा होती है, स्त्री के संबंध में उसका भाव भी कुछ उसी प्रकार का हो जाता है। स्त्री का भाव प्रतीत होते ही उसे दूर कर लेने में उन्हें कोई दुविधा नहीं होती, चाहे उनकी अवस्था जैसी भी हो और आयु कितनी भी क्यों ना हो। जितनी दुविधा और दुश्चिंता सब हमारे नए लड़कों में ही दिखती है। विवाह के पुनः पुनः प्रस्ताव से उनके पिता पक्ष के सफेद बाल खिजाब के आशीर्वाद से पुनः पुनः काले हो उठते हैं, और प्रथम मध्यस्थता की आज से ही लड़कों के काले बाल चिंता या फिक्र से एक रात ही में सफेद होने को आते हैं। सच कह रहा हूं, मेरे मन में ऐसा कोई विषम उद्वेग पैदा नहीं हुआ, बल्कि विवाह की बातचीत से मेरे मन में जैसे वासंती बयार्क बहने लगी। कौतूहली कल्पना के किसलयों में मानो कोई काना फूसी होने लगी, जिसे एडमंड बर्ग के फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट की 5-7 कॉपियां कंठस्थ करनी होंगी, उसके लिए ऐसा भाव अनुचित है। मेरे इस लेख की यदि टेक्स्ट बुक समिति द्वारा अनुमोदित होने की जरा भी आशंका रहती तो सावधान हो जाता। लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूं, ये क्या कोई कहानी है जिसे लेकर उपन्यास लिखने बैठा हूं? ऐसे सुर में मेरा लिखना शुरू होगा, ये क्या मैं जानता था? मन में था कई वर्षों की वेदना से जो मेघ काले होकर जमा हुए हैं, उन्हें वैशाखी संध्या की तूफानी वर्षा के समान प्रबल वर्षण से निशेष कर दूंगा। लेकिन मैं बाटला में शिशु पाठ्य पुस्तक तक नहीं लिख सका, क्योंकि संस्कृत मुग्ध बौद्ध व्याकरण मैंने नहीं पढ़ा और ना काव्य रचना ही कर सका। वजह यह थी कि मातृभाषा मेरे जीवन में ऐसी पुष्पित ना हो सकी जिससे अपने अंतर को बाहर प्रकट कर सकता। इसीलिए देख रहा हूं, मेरे भीतर का शमशानचारी सन्यासी अट्टाहस द्वारा अपना ही परिहास करने बैठा है। बिना किए क्या करे, उसमें आंसू तलक सूख गए हैं। जेठ की प्रखर धूप ही तो जेठ का अश्रु शून्य रोदन है। मेरे साथ जिसका विवाह हुआ था उसका असली नाम नहीं कहूंगा, कारण विश्व के इतिहास में उसके नाम को लेकर पुरातत्ववेताओं में विवाद की कोई आशंका नहीं है। जिस ताम्र फलक पर उसका नाम खुदा है वह मेरा हृदय पट ही है, किसी समय भी वह पट और वह नाम विलुप्त होगा, ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता। किंतु जिस अमृत लोक में वे अक्षय हो रहा, वहां इतिहासकारों का आना जाना नहीं होता। मेरे इस लेख में उसका जैसा ही हो एक नाम तो चाहिए ही। अच्छा, तो उसका नाम दे डाला शिशिर। शिशिर में भोर वेला की बात प्रातः वेला में आकर समाप्त हो जाती है। शिशिर मेरे से केवल 2 वर्ष छोटी थी, लेकिन मेरे पिता गौरीदान के पक्ष में ना हो ऐसी बात नहीं थी। उसके पिता उग्र भाव से समाज विद्रोही थे, देश में प्रचलित धर्म कर्म किसी में भी उनकी आस्था नहीं थी, उन्होंने जमकर अंग्रेजी पढ़ी थी। मेरे पिता उग्र भाव से समय के अनुगामी थे, मानने में बाधा हो ऐसी चीज हमारे समाज में सदर या अंदर में, ड्योडी या पिछवाड़े के रास्ते में खोजी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भी अंग्रेजी जमकर पढ़ी थी। पितामह और पिता दोनों की ही विचारधाराएं विद्रोह की 2 पृथक मूर्तियां थी, कोई भी सीधी स्वाभाविक नहीं। फिर भी एक बड़ी उम्र वाली लड़की के साथ पिताजी ने मेरा विवाह कर दिया। उसका कारण यह था कि लड़की बड़ी उम्र वाली थी, इसलिए दहेज की रकम भी बड़ी थी।
शिशिर मेरे ससुर जी की इकलौती बेटी थी। पिताजी का विश्वास था कि कन्या के पिता की सारी संपत्ति भावी जमाता के भविष्य के गड्ढे को भरने वाली है। मेरे ससुर जी ने किसी खास विचारधारा की बला नहीं पाली थी। वे पश्चिम की ओर किसी पहाड़ी रियासत के किसी राजा के अधीनस्थ कोई बड़े ओहदे पर थे। शिशिर जब गोद में थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। कन्या प्रतिवर्ष एक एक वर्ष करके बड़ी होती जा रही थी। ये बात मेरे ससुर की दृष्टि में आई ही नहीं। वहां उनके समाज में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनकी आंखों में अंगुली डालकर यह दिखा देता। यथा समय शिशिर की उम्र 16 वर्ष हुई, किंतु वह 16 स्वभाव का था, समाज का 16 नहीं। किसी ने उसकी उम्र के विषय में सावधान होने की सलाह नहीं दी। उसने भी अपनी उम्र की ओर मुड़कर नहीं देखा। मैं तब कॉलेज के तृतीय वर्ष में था। मेरी उम्र 19 साल की थी और मेरा विवाह हुआ। ये उम्र समाज की दृष्टि या समाज सुधारकों की दृष्टि में उपयुक्त है या नहीं, इसे लेकर दोनों पक्ष लड़ते हुए खून खराबी क्यों ना करें, किंतु मैं कहता हूं ये उम्र परीक्षा पास करने के लिए कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर विवाह संबंध के लिए भी कुछ कम अच्छी नहीं है। विवाह का अरुणोदय एक चित्र के आभास से हुआ। मैं पाठ कंठस्थ कर रहा था। मजाक का रिश्ता रखने वाली एक आत्मीयता ने मेरे मेज पर शिशिर की तस्वीर को रखते हुए कहा, एकदम जी तोड़ मेहनत द्वारा अब असली पढ़ाई पढ़ो। किसी एक अनाड़ी छाया चित्रकार का खींचा चित्र। मां तो थी ही नहीं, इसलिए किसी ने कसकर बाल बांधकर जूड़े में जरी लपेटकर साहा या मल्लिक कंपनी का बेतुका भड़कीला जैकेट पहनाकर वर पक्ष की आंखों को लुभाने के लिए जालसाजी की कोशिश नहीं की थी। एक बहुत ही सीधा सादा सा चेहरा, सीधी सादी दो आंखें और सीधी सादी एक साड़ी, लेकिन सारा कुछ मिलाकर ये ऐसी महिमा थी जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। जैसी तैसी एक चौकी पर बैठी पीछे एक धारीदार दरी लटक रही थी, बगल में एक तिहाई पर रखे फूलदान में गुलदस्ता और गलीचे पर साड़ी की तिरछी किनारी के नीचे दो नंगे पैर। पट के चित्र को मेरे मन की जादुई सोने की सलाई के छूते ही वे मेरे जीवन में जाग उठी। वे दो काली आंखें मेरे समस्त भावों के बीच न जाने कैसे ताकती रहीं, और तिरछी किनारी के नीचे के दो नंगे पैरों ने मेरे हृदय को अपना पद्मासन बना लिया। पंचांग के पन्ने पलटते हुए दो तीन विवाह के लग्न पीछे रह गए, पर ससुर जी को छुट्टी नहीं ही मिली। उधर सामने एक अकाल 4-5 महीने जोड़कर मेरी कुमारी उम्र की सीमा को 19वें वर्ष से निरर्थक 20वें वर्ष की ओर ठेलने का चक्रांत चला रहा था। ससुर और उनके मुनीम पर गुस्सा आने लगा। जो हो, अकाल के ठीक पूर्व लग्न में आकर विवाह का दिन ठहरा। उस दिन की शहनाई की हर एक तान का मुझे स्मरण आ रहा है। उस दिन के प्रतीक्षण को मैंने अपनी सारी चेतना द्वारा स्पर्श किया है। मेरी 19 वर्ष की वह उम्र मेरे जीवन में अक्षय हो रही। विवाह मंडप में चारों ओर हो रहे शोरगुल के बीच कन्या का कोमल हाथ मेरे हाथ में आ पड़ा। परम आश्चर्य, मेरा मन बार बार कहने लगा, मैंने पाया, मैंने इसे पाया। किसे पाया? ये तो दुर्लभ है, ये तो मानवी है, इसके रहस्य का क्या अंत है? मेरे ससुर का नाम गौरीशंकर है, जिस हिमालय के वे जैसे मीत हो। उनके गांभीर्य के शिखर प्रांत पर एक स्थिर हंसी उज्जवल हो विराज रही थी और उनके हृदय के भीतर स्नेह का एक सोता था। उसका पता जिन्होंने भी पाया वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। कर्म क्षेत्र में लौटने के पूर्व मेरे ससुर जी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा मैं अपनी कन्या को 17 वर्षों से जानता हूं और तुम्हें मात्र इन कई दिनों से, फिर भी वह तुम्हारे ही हाथों रही। जो धन सौंप दिया उसका मूल्य जैसे समझ सको, इससे अधिक और क्या आशीर्वाद दे सकता हूं। उनके समधी और समधिन दोनों ने उन्हें बार बार आश्वासन देते हुए कहा, समधी जी आप कोई चिंता ना करें, आपकी कन्या जैसे पिता को छोड़कर आई है वैसे ही यहां उसे मां बाप दोनों ही मिले।
उसके बाद ससुर जी कन्या से विदा लेते समय मुस्कुराए और बोले, बेटी मैं चला, तेरा एकमात्र ये पिता, आज से यदि उसका कुछ खो जाए, चोरी चला जाए या नष्ट हो जाए तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं। कन्या बोली, क्या खूब कहा, कहीं यदि जरा सा भी नुकसान हुआ तो तुम्हें ही क्षतिपूर्ति करनी होगी। अंत में नित्य ही जिन विषयों में उनसे गड़बड़ी होती थी उनके बारे में उसने पिता को बार बार सावधान किया। खान पान के मामले में मेरे ससुर जी पर्याप्त संयम नहीं रख पाते थे। ऐसे कई कुपथ्य थे जिन पर उनकी विशेष आसक्ति थी। पिता को उन सब प्रलोभनों से यथासंभव दूर रखना कन्या का विशेष दायित्व था। इसलिए आज उसके पिता का हाथ पकड़कर उद्वेग के साथ कहा, बाबूजी तुम मेरी बात रखना, रखोगे ना? पिता ने हंसकर कहा, मनुष्य प्रण करता है और फिर वचन तोड़कर चैन की सांस लेता है, इसलिए वचन न देना ही सबसे अधिक निरापद है। पिता के चले जाने के बाद फिर उसका क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। पिता और पुत्री की अश्रुहीन विदाई वेला को बगल वाले कमरे से कोतुहली अंतपुरावासियों के दल ने देखा और सुना। आश्चर्य है, सूखे प्रदेश में रहकर ये भी खुश हो गए हैं, मोह ममता बिल्कुल नहीं। मेरे ससुर जी के मित्र वनमाली बाबू ने ही हमारे विवाह की मध्यस्थता की थी। वे हमारे परिवार के भी परिचित व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे ससुर से कहा था, संसार में तुम्हारी ही तो केवल यही लड़की है, अब इन्हीं के बगल में किराए का घर लेकर यदि जिंदगी बिताओ। उन्होंने कहा, जो दिया वह सारा निशेष करके ही दिया, अब मुड़कर देखने से कष्ट ही होगा। अधिकार छोड़कर अधिकार जमाने जाने जैसी विडंबना दूसरी नहीं। सबसे अंत में मुझे अकेले में ले जाकर अपराधी की तरह संकोच से बोले, मेरी लड़की को पुस्तक पढ़ने का शौक है और लोगों को खिलाना पिलाना बहुत पसंद है, इसके लिए समधी को परेशान करने की इच्छा नहीं होती। मैं बीच बीच में तुम्हें रुपए भेज दिया करूंगा, तुम्हारे पिताजी को मालूम होने पर वो नाराज तो नहीं होंगे? ये प्रश्न सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। गृहस्थी में कहीं से अर्थ समागम होने पर पिताजी अप्रसन्न होंगे? उनका दिमाग इतना तो खराब कभी नहीं देखा, मानो मुझे घूस दे रहे हैं। इस प्रकार मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट खोसकर मेरे ससुर तेजी से चलते बने, मेरा प्रणाम तक ग्रहण करने के लिए सब्र नहीं कर पाए। बाद में देखा पॉकेट से रुमाल निकला है। मैं स्तब्ध हो बैठ सोचता रहा, मन ही मन समझा ये लोग दूसरी प्रकृति के मनुष्य हैं। अपने मित्रों में से बहुतों को विवाह करते देखा है, मंत्र पढ़ने के साथ साथ पत्नी को एकदम एक ही ग्रास में निगल लेते हैं। पाक यंत्र में पहुंचकर कुछ देर बाद इस पदार्थ के नाना गुणावगुण प्रकट हो सकते हैं और क्षण क्षण पर आभ्यंतरिक उद्वेग उपस्थित होते रहते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं कुछ भी नहीं अटकता। मैंने तो विवाह मंडप में ही समझ लिया था, दान के मंत्र द्वारा पत्नी को जितना पाया जाता है उससे गृहस्थी भले ही चल जाती हो, लेकिन 15 आने बाकी ही रह जाते हैं। मुझे संदेह होता है अधिकांश लोग पत्नी से विवाह मात्र करते हैं, पाते नहीं और जान भी नहीं पाते कि पाया नहीं। उनकी पत्नी के पास भी अंत तक खबर पहुंचती नहीं, लेकिन वह तो मेरी साधना का धन थी, मेरी संपत्ति नहीं, वह मेरी संपदा थी। शिशिर, नहीं, इस नाम का प्रयोग अब नहीं चलेगा। एक तो ये उसका नाम नहीं, दूसरे ये उसका परिचय भी नहीं। वह तो सूर्य के समान ध्रुव थी, वह क्षण जीवनी उषा की विदाई की अश्र बिंदु नहीं। क्या होगा गोपन रखकर उसका असली नाम हेमंती है। मैंने पाया इस 17 वर्ष की लड़की पर यौवन का सारा प्रकाश आ पड़ा है, लेकिन अभी किशोर के क्रोध से वह जगी नहीं। ठीक जैसे शैल शिखर के हिम पर प्रातःकालीन प्रकाश विदीर्ण हो रहा है, लेकिन बर्फ अभी गली नहीं। मैं जानता हूं कि वह कितनी निष्कलंक शुभ्र है, कितनी निविड़ पवित्र। मेरे मन में एक चिंता थी कि वह एक पढ़ी लिखी सयानी लड़की है, न जाने कैसे मन पा सकूंगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने पाया कि मन की राह के साथ पुस्तक की दुकान की राह का कहीं कोई टकराव नहीं। कब उसके सारे मन पर रंग लगा, आंखों में थोड़ा नशा सा छाया गया, कब उसके तन मन जैसे उत्सुक हो उठे, ये ठीक नहीं बता सकूंगा।
ये तो हुई एक सिरे की बात, इसका दूसरा सिरा भी है, उसे विस्तार से बताने का अब समय हुआ है। एक राजघराने में मेरे ससुर की नौकरी है। बैंक में उनके कितने रुपए जमा हैं उस बारे में जनश्रुति ने कई तरह की संख्याएं स्थापना की हैं और कोई भी संख्या लाख के नीचे नहीं उतरी। इसका फल यह हुआ कि उसके पिता की बोली जैसे जैसे बढ़ती गई, हेम का आदर भी वैसे वैसे बढ़ता गया। हमारे घर के कामकाज और रीति रिवाज आदि सीखने को वह उत्सुक थी, पर मां ने अत्यधिक स्नेहवश उसे किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगने दिया। यहां तक कि हेम के साथ पहाड़ से जो दासी आई थी, यद्यपि उसे अपने कमरे में घुसने नहीं देती थी, तथापि उसकी जात के बारे में कोई सवाल इस डर से नहीं किया गया कि कहीं कोई अनचाहा जवाब सुनने को ना मिले। ऐसे ही दिन बीत सकते थे, लेकिन अचानक एक दिन पिताजी के मुख पर घोर अंधकार दिखाई पड़ा। मामला यह था कि मेरे विवाह पर मेरे ससुर ने 15,000 रुपये नकद और 5,000 रुपये के गहने दिए थे। पिताजी को अपने किसी दलाल दोस्त से खबर मिली है, इसमें से 15,000 रुपये उधार लेकर जुटाना पड़ा था, जिसका ब्याज भी कुछ कम नहीं। लाख रुपए की जनश्रुति तो बिल्कुल धोखा है। हालांकि मेरे ससुर की संपत्ति के परिमाण के बारे में मेरे पिताजी के साथ उनकी किसी प्रकार की कोई चर्चा कभी नहीं हुई। फिर भी ना जाने पिताजी ने किस युक्ति से यह निर्णय ले लिया कि उनके समधी ने जानबूझकर उनके साथ धोखा किया है। पिताजी की एक धारणा यह भी थी कि मेरे ससुर राजा के, प्रधानमंत्री के जैसे किसी ऊंचे पद पर है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह वहां शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं। पिताजी ने कहा, यानी स्कूल का हेडमास्टर दुनिया में जितने सम्मानित पद हैं उनमें सबसे घटिया। पिताजी को बड़ी आशा थी कि मेरे ससुर आजकल में जब कभी भी अवसर ग्रहण करेंगे तब मैं ही राजमंत्री बनूंगा। इन्हीं दिनों राज के उपलक्ष्य में गांव के परिजन हमारे कलकत्ते वाले घर में आ जमा हुए। लड़की को देखते ही उनमें कानाफूसी होने लगी। धीरे धीरे दबी छुपी कानाफूसी मुखर उठी। दूर के रिश्ते की कोई एक नानी कह उठी, अगर हमें हराएगी नहीं तो अपू बाहर से बहू लाने ही क्यों जाता। मेरी मां भी चीख कर बोली, हैं ये कैसी बात है, बहू की उम्र तो अभी 11 से अधिक नहीं, अगले फागुन में 12वें में पैर धरेगी। पश्चिमी इलाके में दाल रोटी पर पली बड़ी है, इसी से इतनी बड़ी दिखती है। नानियों ने कहा, बेटी अभी हमें अपनी आंखों से इतना कम तो सूझता नहीं, कन्या पक्ष ने अवश्य ही तुम लोगों से उम्र के बारे में धोखा किया है। मां बोली, हम लोगों ने तो जन्मपत्री तक देखी है। बात सच है, लेकिन जन्मपत्री में ही इसका प्रमाण है कि लड़की 17 साल की है। वृद्धाएं बोली, जन्मपत्री में क्या धोखाधड़ी नहीं चलती। इस बात पर भारी बहस हुई, यहां तक कि झगड़ा हो गया। इतने में हेम वहां पहुंची। किसी एक नानी ने पूछा, नहीं बहू तुम्हारी उम्र क्या है, बताओ तो भला। मां ने आंखों से इशारा किया, हेम उसका मतलब नहीं समझी, बोली 17। मां अधीर होकर बोल उठी, तुम जानती नहीं। हेम ने कहा, मैं जानती हूं, मेरी उम्र 17 वर्ष है। नानियों ने एक दूसरे की देह को बिना कुछ बोले होले से दबाया। बहू की बेवकूफी से चिढ़कर मां बोली, तो तुम सब जानती हो, तुम्हारे बाबूजी ने बताया था तुम्हारी उम्र 11 की है। हेम चौंक कर बोली, बाबूजी ने बताया है, कभी नहीं। मां ने कहा, तुमने तो बड़ी हैरानी में डाल दिया, समधी ने मेरे सामने अपने मुंह से कहा और लड़की कहती है कभी नहीं। ये कहते हुए दोबारा आंखों से इशारा किया। अब की बार हेम इशारे का अर्थ समझ गई। वह स्वर को दृढ़ करती बोली, बाबूजी ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। मां का स्वर तेज हो गया, वे बोली, तू मुझे झूठी कहना चाहती है। हेम ने कहा, मेरे बाबूजी कभी झूठ नहीं बोलते। इसके बाद मां उसे गालियां बकने लगी और बेबात की कालिख बढ़ती फैलती चारों ओर फैल पुत गई। मां ने गुस्से में पिताजी के पास वधू की मूढ़ता और उससे भी अधिक जिद्दी स्वभाव की शिकायत की। पिताजी ने हेम को बुलाकर कहा, विवाहिता लड़की की उम्र 17 हो यह भी कोई बड़े गौरव की बात है क्या, जिसके लिए ढिंढोरा पीटते हुए घूमना होगा। हमारे यहां यह सब नहीं चलेगा, बता दिया।
हाय रे भाग्य, अपनी बहू के प्रति पिताजी का वह मधु मिश्रित पंचम स्वर आज एक बारगी ऐसे उस्ताद बाज खां के डोर षडज में कैसे उतर आया। हेम ने व्यथित स्वर में प्रश्न किया, कोई यदि मेरी उम्र पूछे तो क्या बताऊं। पिताजी बोले, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम कहना मैं नहीं जानती, मेरी सास जानती है। झूठी बात किस तरह ना कही जाए ये उपदेश सुन हेम कुछ इस प्रकार चुप हो रही कि पिताजी ने समझा सत उपदेश एकदम बेकार ही गया। हेम की दुर्गति दुख के बारे में क्या करता, उसके सामने सिर नीचा हो गया। उस दिन देखा, सोचा मैं इन लोगों को नहीं पहचानता। उस दिन एक कीमती जिल्द चढ़ी अंग्रेजी कविता पुस्तक उसके लिए खरीद लाया था। पुस्तक को उसने हाथ में लिया और धीरे धीरे गोद में रख दिया, एक बार खोलकर देखा तक नहीं। मैंने उसके हाथ को पकड़कर उठाते हुए कहा, हेम मुझ पर नाराज होना, मैं तुम्हारे सच पर कभी आघात नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारे सत्य के बंधन में बंधा हूं। हेम ना बोली ना ही तनिक मुस्कुराई। विधाता ने ऐसी मुस्कान जिसे दी है उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पिताजी की आर्थिक प्रगति के बाद से देवता के अनुग्रह को स्थायी करने के लिए नए उत्साह से हमारे घर में पूजा अर्चना होने लगी। अब तक उन सारे अनुष्ठानों में घर की बहू की बुलाहट कभी नहीं होती। एक दिन नई बहू को पूजा की सामग्री लगाने का आदेश मिला। उसने पूछा, मां जरा बताओ क्या करना होगा। इसमें किसी के सिर पर आकाश टूट पड़ने की बात नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कि कन्या मातृहीन प्रवास में पली है, लेकिन वहां तो हेम को लज्जित करना ही इस आदेश का लक्ष्य था। सभी गाल पर हाथ रखकर बोले, अरे मैया ये कैसी बात, ये किस नास्तिक के घर की बेटी है, अब इस घराने में लक्ष्मी विदा होने को चली, इसमें अधिक देर नहीं। इस उपलक्ष्य में हेम के पिता को लक्ष्य कर जो नहीं कहने योग्य था वह भी कहा गया। जब से कटुक्तियों की हवा चल रही है हेम ने बिल्कुल चुप्पी साधकर सब कुछ सहा है। एक दिन के लिए भी किसी के सामने उसने आंख से आंसू नहीं गिराए। आज उसकी बड़ी बड़ी दोनों आंखों को प्लावित करती आंसू की धारा बह चली। वह उठकर खड़ी हो बोली, आप लोगों को मालूम नहीं कि उस देश में मेरे बाबूजी को सब ऋषि कहते हैं। अच्छा ऋषि कहते हैं, हंसी का जोरदार ठहाका लगा। इसके बाद उसके पिता का जब भी उल्लेख आता प्राय कहा जाता, तुम्हारे ऋषि पिता इस लड़की की सबसे अधिक दुखती रग कहां है। इसे हमारे घर वालों ने समझ लिया था। वस्तुतः मेरे ससुर तो ब्राह्मण हैं और ना ईसाई, कदाचित नास्तिक भी नहीं होंगे। देवार्चना की बात उन्होंने किसी दिन सोची भी नहीं होगी। कन्या को उन्होंने बहुत पढ़ाया लिखाया सुनाया, लेकिन एक दिन के लिए भी देवता विषय कोई उपदेश उसे नहीं दिया, वनमाली बाबू ने इस विषय में उनसे एक बार प्रश्न किया था। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जो खुद नहीं समझता उसे सिखाने जाना मात्र कपट भरी सीख होगी। अंतपुर में हेम की एक सच्ची भक्तिन थी, वे मेरी छोटी बहन नारनी, वे भाभी को बहुत चाहती हैं। इससे उसे बहुत तिरस्कार सहना पड़ता। संसार यात्रा में हेम को जो अपमान सहने पड़ते वह उसी से सुनता। एक दिन के लिए भी मैंने कभी भी हेम से कुछ नहीं सुना। वे सारी बातें संकोचवश वह होठों पर नहीं ला पाती, वह संकोच भी खुद अपने लिए नहीं था। हेम को अपने पिता के पास से जितने पत्र मिलते वह सब मुझे पढ़ने देती। पत्र छोटे किंतु रस भरे होते। वह भी अपने पिता को जितने पत्र लिखती सब मुझे दिखाती। पिता के साथ उसके संबंधों को मेरे साथ ना बांटने का उसका दांपत्य पूरा ही नहीं हो पाता था। उसके पत्रों में ससुराल के बारे में किसी प्रकार की शिकायत का इशारा तक नहीं होता। ऐसा होने पर विपद हो सकती थी। नारानी से ही सुना था कि ससुराल के बारे में वे क्या लिखती रही है, ये जानने के लिए बीच बीच में उसके पत्र खोले जाते हैं। पत्रों में अपराध का कोई प्रमाण न पाओ पर वालों का मन शांत हुआ हो ऐसा नहीं, शायद उसमें उन्हें आशा भंग का दुख ही मिला हो। बड़ी खिज में भरकर वे कहने लगे, इतनी जल्दी जल्दी पत्र क्यों आते हैं, पिता ही सब कुछ है, हम लोग क्या कुछ नहीं। इसे लेकर बहुत अप्रिय बातें होने लगी।
मैंने शुभ्ध होकर हेम से कहा, तुम्हारे पिता के पत्र और किसी के हाथ ना देकर मुझे ही देना, कॉलेज जाते हुए मैं पोस्ट कर दूंगा। हेम ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने संकोचवश कोई उत्तर नहीं दिया। अब घर में सबने कहना शुरू कर दिया, इसने अपू का दिमाग बिगाड़ दिया है, बीए की डिग्री ताक पर धरी रहेगी, लड़के का क्या दोष? ये तो ठीक ही है, दोष सारा बेचारी हेम का ही था। उसका दोष यह कि उसकी उम्र 17 साल है, उसका दोष ये कि मैं उससे प्रेम करता हूं, उसका दोष यह कि विधाता का ये विधान है, इसलिए मेरे हृदय के पोर पोर में सारा आकाश आज बंसी बजा रहा है। बीए की डिग्री में निरासक्त भाव से भाड़ में झोंक सकता था, लेकिन हेम के कल्याण का प्रण किया था, पास करूंगा ही और अच्छी तरह पास करूंगा। इस प्रण की रक्षा उस दशा में मुझे दो कारणों से संभव पर दिख पड़ी। एक तो हेम के प्रेम में एक ऐसा आकाश सा विस्तार था जो संकीर्ण आसक्ति में मन को बांधे नहीं रख सकता था। उस प्रेम के चारों ओर एक बड़ी सुहानी बयार सी बहती रहती। दूसरे परीक्षा के लिए जिन पुस्तकों का पढ़ना आवश्यक था, उसे हेम के साथ मिलकर पढ़ना कोई असंभव कार्य नहीं था। मैं परीक्षा पास करने की तैयारी में कमर कसकर जुट गया। एक दिन रविवार की दोपहरी में बाहर के कमरे में बैठकर मार्टिनी के चरित्र तत्व पुस्तक के विशेष विशेष पंक्तियों की राह के बीचों बीच नीले पेंसिल का हल चलाया जा रहा था। इतने में अचानक मेरी दृष्टि बाहर की ओर गई। मेरे कमरे के सामने आंगन के उत्तर की ओर अंतपुर में जाने की एक सीढ़ी थी, उसी सटी हुई बीच बीच में सिकचेदार एक खिड़की थी। मैंने देखा उसी खिड़की पर गुमसुम सी हेम पश्चिम की ओर ताकती हुई बैठी है। उस ओर मल्लिक के बाग में कचनार का पेड़ गुलाबी फूलों से लदा था। मेरी छाती में सहसा धपाक से एक झटका लगा, मन से उदासीनता का आवरण छिन्न हो गिर पड़ा। इस निशब्द गंभीर वेदना के रूप को मैंने इतने दिनों तक इतने स्पष्ट रूप में कभी नहीं देखा था। और कुछ नहीं, मैं केवल उसके बैठने की भंगिमा भर देख पा रहा था। उसकी गोदी में एक हाथ पर दूसरा हाथ स्थिर पड़ा हुआ था और सिर दीवार के सहारे टिका, खुले बाल बाएं कंधे से होते हुए सीने पर फैले हुए। मेरे हृदय में शून्यता की एक हूक सी उठी। मेरा अपना जीवन इतना लबालब भरा हुआ था कि मैं कहीं किसी शून्यता की ओर कभी गौर नहीं कर पाया था। आज अचानक ही अपने अत्यंत निकट निराशा की एक बहुत बड़ी गहरी खाई देखी। मैं कैसे किससे उसे पाटूंगा? मुझे तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, ना परिजन, ना आदत, ना और कुछ। हेम तो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है। उसका परिमाण कितना है ये मैंने कभी अच्छी तरह सोचकर नहीं देखा था। हमारे परिवार में वे अपमान के कांटों की शैया पर बैठी है। उस शैया पर मैंने भी उसके साथ हिस्सेदारी बटाई है। उस दुख में हेम के साथ मेरा भी जुड़ाव था, उसमें हम अलग नहीं थे। लेकिन ये गिरनंदनी 17 वर्ष की अवधि तक अंतर बाहर कितनी विशाल मुक्ति के बीच पली है, किस निर्मल सत्य और आलोक में उसकी प्रकृति ऐसी रिजु शुभ्र और सबल हो उठी है। उससे हेम किस निर्तिश्य और निष्ठुर रूप से विच्छिन्न हुई है। इतने दिनों तक उसे मैं पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां उसके साथ आसन समान नहीं था। हेम अंदर ही अंदर पल पल तिल तिल घुट कर मर रही थी। उसे मैं सब दे सकता था, लेकिन मुक्ति नहीं। वे मेरे अपने ही अंतर में कहां, इसलिए कलकत्ते की गली में उस सीखचों के अवकाश से निर्वाज आकाश के साथ उसके निर्वाक मन की गुपचुप बातें होती। और कभी कभी रात में अचानक नींद खुल जाती तो पता वह बिस्तर पर नहीं है, हाथ पर सिर रख तारों से भरे आकाश की ओर मुंह किए छत पर लेटी है। मार्टिनी का चरित्र तत्व पड़ा रहा, सोचने लगा क्या करूं। बचपन से ही पिताजी से मेरे संकोच का अंत नहीं था, कभी भी उनके सामने दरबार करने का साहस या अभ्यास मेरा नहीं था। उस दिन अपने को रोक नहीं सका, लाज संकोच छोड़कर उनसे कह बैठा, बहू की तबीयत अच्छी नहीं है, उसको एक बार उसके पिता के पास भेजना ठीक होगा। पिताजी को जैसे काट मार गया, मन में तनिक भी संदेह नहीं हरा कि हेम ने ही इस प्रकार के अभूतपूर्व साहस के लिए मुझे तैयार किया है।
उसी समय वे उठे और अंतपुर में जाकर हीम से पूछा, बहू जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम्हें क्या बीमारी है। हीम बोली, बीमारी तो कुछ नहीं है। पिताजी ने सोचा ये उत्तर तेज दिखाने के लिए है, किंतु हेम की देह दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। इसे हमने प्रतिदिन देखते रहने के अभ्यास के कारण समझा नहीं। एक दिन वनवाली बाबू ने उसे देखा तो चौंक पड़े, अरे ये क्या हेमी, ये तेरा चेहरा कैसा मुरझाया गया है, तू बीमार तो नहीं। हेम बोली, नहीं। इस घटना के दस एक दिन बाद ही ना कोई बात ना चीत अचानक मेरे ससुर जी आ पहुंचे। हेम के गिरते स्वास्थ्य के बारे में अवश्य ही वनमाली बाबू ने उन्हें चिट्ठी लिखी होगी। विवाह के बाद पिता से विदा लेते समय पुत्री ने अपने आंसू रोक लिए थे। अब की मिलन के दिन पिता ने ज्यों ही उसकी ठोड़ी को पकड़कर मुंह पर उठाया, त्यों ही हेम की आंखों के आंसू रोके नहीं रुक पाए। पिता भी एक शब्द नहीं बोल सके, पूछा तक नहीं, तू कैसी। मेरे ससुर ने कन्या के मुख पर ऐसा कुछ देखा जिससे उनकी छाती फट गई। हेम पिता के हाथ पकड़े उन्हें सोने के कमरे में लिवा गई। कितनी ही बातें तो पूछने की हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं दिख रहा है। पिता ने पूछा, तू मेरे साथ चलेगी बेटी। हेम कंगालिन सी बोल उठी, चलूंगी। पिता ने कहा, अच्छा पहले सब ठीक ठाक कर लूं। मेरे ससुर अगर उद्विग्न नहीं हुए होते तब इस घर में घुसते ही अनुभव कर पाते कि अब यहां उनके वह दिन नहीं रहे। सहसा उनके आविर्भाव को उपद्रव समझा गया। पिताजी ने तो अच्छी तरह से बात भी नहीं की। मेरे ससुर को याद था कि उनके संधी ने कभी उन्हें बार बार आश्वासन दिया था कि जब भी जी में आए आप कन्या को खुशी खुशी घर ले जा सकते हैं। इस सच की अनदेखी हो सकती है, ये बात वे मन में भी ना ला सके। पिताजी तंबाकू का कश खींचते खींचते बोले, समधी जी मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो फिर एक बार घर के मत्थे जिम्मेदारी सौंपने का बहाना मेरा जाना हुआ था। समझ गया, कुछ होने हवाने को नहीं। हुआ भी कुछ नहीं, बहू की तबीयत अच्छी नहीं, इतना अन्यायपूर्ण दोषारोपण। ससुर जी ने स्वयं एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा, जलवायु परिवर्तन आवश्यक है, नहीं तो अचानक कोई सख्त बीमारी हो सकती है। पिताजी ने हंसकर कहा, अचानक ही सख्त बीमारी तो जिस किसी को भी हो सकती है, ये भी कोई बात हुई भला। मेरे ससुर बोले, आप जानते तो हैं कि ये एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इनकी क्या बात। पिताजी ने कहा, मैंने ऐसे तमाम डॉक्टर देखे हैं, दक्षिणा के बल पर सारे पंडितों के पास से हर तरह के विधान मिल सकते हैं और सभी डॉक्टरों के पास से सभी रोगों का प्रमाण पत्र मिल सकता है। इस बात को सुनकर मेरे ससुर बिल्कुल स्तब्ध हो रहे। हेम ने समझा उसके पिता का प्रस्ताव अपमान के साथ अग्राह हुआ। उसका मन एक बारगी काष्ठवत हो गया, मुझसे और ना सहा गया। मैंने पिताजी के पास जाकर कहा, हेम को मैं ले आऊंगा। पिताजी गरज पड़े, इतनी हिम्मत तुम्हारी, आदि इत्यादि। मित्रों में से किसी ने मुझसे पूछा, जो कहा है किया क्यों नहीं, पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर क्यों नहीं ले गया, क्यों नहीं ले गया क्यों। यदि लोक धर्म के लिए सत्य धर्म को ना ठेलूं, यदि घर के लिए घर के व्यक्ति की बलि ना चढ़ाऊं, तो मेरे रक्त में युग युग से चली आ रही जो शिक्षा है वे किस लिए है। तुम लोगों को पता है, जिस दिन अयोध्या के लोगों ने सीता के निर्वासन की मांग की थी, उन्हीं में मैं भी तो था, और उस निर्वासन की गौरव गाथा का युग युग से जो गान करते आए हैं, मैं भी तो उन्हीं में से एक हूं। और मैंने ही तो उस दिन लोक रंजन के लिए स्त्री परित्याग के महत्व का वर्णन कर एक मासिक पत्र में लेख लिखा था। हृदय के रक्त से मुझे किसी दिन दूसरी सीता के निर्वास की कहानी लिखनी होगी, ये कौन जानता था। पिता पुत्री की विदाई का एक क्षण एक बार फिर आ पहुंचा। इस बार भी दोनों के चेहरे पर मुस्कान विराज रही थी। कन्या ने हंसते हंसते झिड़कते हुए कहा, बाबूजी अगर फिर कभी तुम मुझे देखने के लिए इस तरह दौड़े भागे इस घर में आए तो मैं कमरे का दरवाजा बंद कर लूंगी। पिता ने हंसते हंसते कहा, अगर फिर कभी आया तो सेंध लगाने के लिए सब्बल भी साथ ही लेकर आऊंगा।
इसके बाद हेम के चेहरे पर की वह चिर परिचित स्निग्ध मुस्कान फिर कभी एक दिन के लिए भी नहीं देखी। उसके बाद फिर क्या हुआ ये बात मुझसे कहीं नहीं जाएगी। सुन रहा हूं, मां लड़की खोज रही है, शायद एक दिन मां का अनुरोध अस्वीकार ना भी कर पाऊं, यह भी संभव हो सकता है। इसकी वजह जाने भी दीजिए, और क्या जरूरत है।